अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मटन बोटी बनाया हूँ जो कि एकदम फ्रेश है, देख लो। और ये अभी मैं खाने जा रहा हूँ और टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा कैसा बना है। इसकी पूरी रेसिपी दूंगा, बहुत ही इजी तरीके से ये मैंने रेसिपी बनाया है। आप लोग पूरी वीडियो को देखो और इंजॉय करो। बहुत सही है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, अभी देख के भूख लग रहा है। तो आप लोग पूरी रेसिपी देखो और वीडियो को एंजॉय करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई अभी मुंह चल रहा है सबका, सब लोग बताओ भाई कैसा बना है। देखिए हम पूरे नेपाल, इंडिया इंडिया इंडिया, ये तमिलनाडु, राजस्थान राजस्थान, ये हमारे रोब भाई, ये तमिलनाडु, ये नेपाल, मैं यूपी उत्तर प्रदेश बनाया मैं हूँ। लेकिन हम लोग मिल के देखो, बैठ के खा रहे सब लोग। और सब बताओ भाई, अभी सब लोग अपना अपना रिव्यू दो। रोब भाई, भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हाँ व्यास भाई, बस मस्त सुपर। तो देखो ऐसा हम लोग का मोहब्बत है इधर गल्फ में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे मटन बोटी बनाई। ये मेरा 1 किलो मटन का जो पीसेस है, जो नेक का पीस है, उसमें लीवर है, मसाले हैं कुछ खड़े मसाले, इसमें 2 तेज पत्ते हैं, 10-15 इलायची हैं, और सॉरी 10-15 इलायची नहीं है, काली मिर्च है, 2 बड़े इलायची है, 4-5 छोटी इलायची है, 6-7 लौंग है, और 2 बड़े तेज पत्ते और 2 मिर्ची। ये मैंने ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। अभी मैंने क्या किया है कि इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को काट के अच्छे से इसको मैं गोश्त में मैरिनेट किया हूँ, ऑयल डाला हूँ, ये हमारे खड़े मसाले हैं हल्दी के साथ, और नमक भी डाल दिया हूँ ये पूरा। अच्छा ये देखिए मैं अभी अपना एक ग्रीन पेस्ट जो बनाया हूँ, इसमें मिर्ची है, अदरक लहसुन है, 1 बड़ा पोटली अदरक लहसुन का, और 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा, और कम से कम जितना तीखा आप खाते हो। ये मेरे कुछ पाउडर्स हैं मसाले के, जिसमें 1 चम्मच है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच है, और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर है। अभी ये पूरा देखो, इसमें मैंने अभी वो मसाले मैंने डाला नहीं है, अभी इसको मैंने थोड़ा पानी में फेंट के अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा भुनने के बाद से। तेल इसमें ज़्यादा नहीं डाला हूँ, 100 ग्राम के करीब मैं तेल डाल रहा हूँ, मैंने एक भी पानी ऐड नहीं किया है। जो ये मसाले में पानी गया वही पानी, सब पानी गोश्त का है ही है, सब पानी जितना भी मटन है वो मटन ने पानी छोड़ा है। अभी ये देखिए फाइनली मेरा आखिरी पोजीशन है, अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा, अभी पानी डालूंगा नहीं, थोड़ा बाद में डालूंगा। हाँ इसमें अभी हमने पानी डाल के इसको फाइनली हमने बना दिया है, ये हमारा फाइनल लुक है गोश्त का। अब हमारे जो भाई हैं और मैं दोनों जन बैठ के थोड़ा टेस्ट करेंगे और आपको टेस्ट दिखा बताएंगे। मटन कड़ी का, हेलो निकालो इधर, हम लोग सब लोग मिल के खा रहे भाई, मिल के बनाए, मिल के खाएंगे और टेस्ट बताएंगे और आप लोग को बताएंगे कैसा जल्दी जल्दी बनाते हैं मटन विथ फेफड़ा। ये फ्रेश मटन है, बहुत इजी है, आपको पूरा रेसिपी दिखाऊंगा। तो भाई हमारे भाई टेस्ट करेंगे, टेस्ट करो। तो हमारे भाई टेस्ट करेंगे मटन। वाह भाई लाजवाब लाजवाब। तो गाइज आपने देखा पूरा रेसिपी, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा रेसिपी देखा होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखिए हम लोग यहाँ पे गल्फ में हैं, एक बैचलर लाइफ जीते हैं, मतलब बुजुर्ग होते हैं, बैचलर होते हैं, मतलब नौजवान होते हैं। तो ये हम लोग एक अपनी रिस्पेक्ट है इंसान की, जो अपनी माइंडसेट होती है कि गल्फ में आने के बाद लोग बुरे मिलते हैं, तो ये गलत बात है। आप मतलब मिलते होंगे, जिसको जिसको मिलते होंगे उनकी एक्सपीरियंस होगी। अभी देखा आपने, हमने सब, जबकि हम सब खाना अलग अलग बनाते हैं फिर भी, लेकिन कोई स्पेशल चीज़ बनता है, कोई एक आदमी लेके आए स्पेशल, चाहे कोई बात हो गई, पार्टी हो गया, चाहे किसी के घर पे खुशखबरी है, तो हम लोग एक साथ मिलके ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई दूसरी कंट्री का है, फिर कोई दूसरे स्टेट से है, तो ऐसे हम यहाँ पे मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा हो वो भी ऐसी अपनी खुशी सेलिब्रेट कीजिए। अपनी फैमिली के साथ आप लोग नहीं हो, लेकिन जब भी हो, जहाँ पे हो, वही आपकी फैमिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब आपको तो ये रेसिपी पसंद पड़ा होगा, मैंने जल्दी जल्दी में और एक इजी ऑथेंटिक शॉर्टकट में मैंने आपको ये रेसिपी दिया है, ठीक है। मैं इधर से फ्रेश, हमारे इधर एक स्लॉटर हाउस है, वहाँ से फ्रेश ये मटन मिलता है। तो इसमें जो नेक होता है, बकरे का गर्दन का पीसेस होता है, गोश होता है वो है, और लंग्स होता है। तो
तो मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया, खैर बहुत ही अच्छा बना। ठीक है, तो आप इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गल्फ़ में जितने भी भाई हैं, वो अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो मैं जितने भी हमारे भाई हैं उन सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारकबाद। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए, हमारा देश का आज़ादी का दिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, आप देखते रहिए आसिफ ब्लॉग।